क्वेश्चन फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन एक्स रिएक्टर मॉलिक्यूल गोज टू वाई प्लस जेड इन द हाफ पीरियड इज 10 मिनट, हाफ लाइफ पीरियड इसका 10 मिनट दिया है. इन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम वुड द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स रिड्यूस टू 10% ऑफ इज ओरिजिनल कंसंट्रेशन. आपको ये बताना है कि अगर एक रिएक्शन, एक एलिमेंट्री रिएक्शन जिसका हाफ लाइफ 10 मिनट है, तो उस रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल की 10% से बची है. तो इनिशियल की 10% बचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा. तो देखो, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है ये समझ लेते हैं हम. एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब दोज रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप. ऐसी सारी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है उसे क्या कहते हो? एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हो. तो यहां पर आपका रिएक्शन गिवन है एक्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गोज टू वाई प्रोडक्ट एंड जेड प्रोडक्ट. अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका अगर मैं रेट लिखूं तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेस्ट टू द पावर ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो मतलब कि जो स्टोइकियोमेट्री है वो मैं रिएक्शन के सकल देख लिख सकता हूं. यहां पर कितना देखा है 1, मतलब कि आर इज इक्वल टू क्या हो गया, के इंटू ए टू दी पावर 1. तो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री, रिएक्शन की ऑर्डर अगर कितनी आ रही है, ऑर्डर 1 आ रही है. मतलब कौन से ऑर्डर की काइनेटिक्स है ये? फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स के लिए आपको बताना है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 10% तक बची है, तब तक कितना टाइम लगेगा. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इज इक्वल टू लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन 80. क्या ए नॉट अपॉन 80? चलो भाई साहब, अगर आपको टाइम बताना है तो टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन 80. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रेट कॉन्स्टेंट नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो चलिए रेट कॉन्स्टेंट कैलकुलेट करते हैं. तो यहां पर रिएक्शन में क्या देगा, हाफ लाइफ दे रखी है. तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हाफ लाइफ का फॉर्मूला देखो तो क्या है, 0.693 अपॉन के. तो के अगर कैलकुलेट करना है तो ये कितना हो जाएगा, 0.693 अपॉन टी, हाफ की वैल्यू है 10 मिनट. तो ये हो जाएगा 0.0693, मिनट को ऊपर भेज दूंगा मैं, तो यूनिट हो गई मिनट इनवर्स. तो रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी है, 0.0693 मिनट इनवर्स. तो टी टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.303 अपॉन 0.0693 इनटू लॉग बेस 10 ए नॉट. इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, ए नॉट मान लेता हूं. और अब क्या हो चुकी है, 80. 80 क्या मतलब क्या होता है, टी टाइम पर कंसंट्रेशन. तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल की क्या हो चुकी है, 10% बची है. इनिशियली मैं मान लेता हूं कि इनिशियल टी इज इक्वल टू 0 टाइम पर कंसंट्रेशन थी कुछ ए नॉट. तो टी इज इक्वल टू टी टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल की कितनी बची है, 10%. मतलब कितना हो गया, 10% ऑफ ए नोट बचा है. तो ये कितना हो जाएगा, 10% मतलब कि 0.1 ऑफ ए नोट बचेगा. ठीक है, तो चलो लिखते हैं 80 के लिए कितनी गई, 0.1 ऑफ ए नोट. चलिए ए नोट से ए नोट कैंसिल, तो ये कितना बचा, t इज इक्वल टू, अच्छा इसको अगर डिवाइड करते हो 2.303 में 0.693 डिवाइड करो तो अप्रोक्स आता है 33 आता है, इंटू लॉग 1 अपॉन 0.1. ठीक है, इंटू लॉग 1 अपॉन 0.1. 0.1 का मतलब क्या हुआ, अपॉन में 10, अगर मैं पॉइंट को हटाता हूं तो अपॉन में 10 आएगा, वो 10 ऊपर चला जाएगा. तो लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1. तो ये अप्रोक्स वैल्यू आपके पास, टाइम कितना आएगा, 33 मिनट आएगा. तो मतलब कि रिएक्शन में, एक एलिमेंट रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर 10% तक रिड्यूस होना है, 10% से बचा है, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, 33 मिनट. तो चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.